दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आज ही खाना बंद कर दे ये पांच चीजें क्योंकि हड्डियों को बना रही है खोखला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिनों दिन बदल रही खान पान की गलत आदतों के कारण आज हर पांच में से तीन व्यक्ति किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हैं, जिसमें से जोड़ों का दर्द आम है। जोड़ों में दर्द की शिकायत पहले तो केवल बढ़ती उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल अधिकतर छोटी उम्र के लोगों को भी जोड़ों का दर्द परेशान किए हुए है। ऐसे में जरूरत है ऐसी डाइट लेने की जो हड्डियों को ताउम्र मजबूत बनाए रखे। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी होते हैं। अगर शरीर में इन दोनों तत्वों में से किसी एक की मात्रा कम हो जाए तो अक्सर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहने लगती है। क्या आप जानते हैं कि हम जाने अनजाने में अपनी रूटीन लाइफ में ऐसी चीज़ों को सेवन कर रहे हैं जो हमारी हड्डियों को दिन प्रतिदिन कमजोर और खोखला बनाती है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन चीज़ों के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को अनेबल जरूर करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक, अधिक नमक। वैसे तो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है नमक, लेकिन खाने में नमक की ज्यादा मात्रा लेने से हड्डियां कमजोर हो सकती है। नमक में सोडियम की मात्रा काफी होती है जो शरीर में जाने के बाद कैल्शियम को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। नंबर दो, चॉकलेट। छोटा हो या बड़ा, चॉकलेट अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं। यह ना केवल मूड को फ्रेश करती है साथ ही मुंह का स्वाद बढ़ा देती है। वहीं अगर चॉकलेट जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो इसका इफेक्ट सीधे हड्डियों पर पड़ता है। ज्यादा चॉकलेट खाने से शरीर में शुगर और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से शरीर में कैल्शियम प्रवेश नहीं कर पाता और हड्डियां धीरे धीरे खोखली यानी कमजोर होने लगती है। नंबर तीन, शराब। शराब पीने की बुरी आदत अधिकतर लोगों को है, लेकिन क्या आप जानते हैं शराब ना केवल दूसरों के सामने आपका गलत इफेक्ट डालती है बल्कि शरीर और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाती है। शराब की ज्यादा मात्रा लेने से शरीर में कैल्शियम कम होने लगता है और हड्डियां काम करना बंद कर देती है। नंबर चार, कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स हर किसी की डाइट का अहम हिस्सा बन जाता है, लेकिन आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस होता है जो शरीर में जाकर हड्डियों को खोखला बनाने का काम करता है। नंबर पाँच, चाय और कॉफ़ी। चाय हो या कॉफ़ी, अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत इन्हीं से करते हैं, परंतु इनका सेवन करने से पहले आपको इसके नुकसान भी पता होने चाहिए। दरअसल चाय और कॉफ़ी में कैफीन की भरपूर मात्रा होती है, अगर इसकी शरीर में अधिक मात्रा चली जाए तो यह हड्डियों को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया आज ही खाना बंद कर दें ये पांच चीज़ें क्योंकि हड्डियों को बना रही है खोखला। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।